सैनिकों की छुट्टी पर नजर। पुलिस वालों के घर पर नजर। घाटी में आतंकियों का खुफिया खेल। आतंकियों के जाल में फंस रहे हैं जवान। आतंकियों का खूनी हॉलिडे प्लान। सेना या पुलिस का कोई जवान जब छुट्टी पर घर लौटता है तो वो पल जवानों के लिए बेहद खास और यादगार होता है। छुट्टी के दिनों में जवान अपने घर वालों से मिलकर उनका सुख दुख बांटते हैं, घर के जरूरी काम निपटाते हैं। लेकिन इन दिनों कश्मीर में रहने वाले सेना के जवान और पुलिस वाले जब घर लौटते हैं तो उनके सिर पर एक खतरा मंडरा रहा है। खतरा ऐसी आतंकी साजिश का जो छुट्टियों में जवानों को बना रहा है शिकार। सच्ची घटना में आज देखिए आतंकियों का खूनी हॉलिडे प्लान। ये सेना में शामिल कश्मीर के जवानों के लिए खतरे की घंटी है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले कश्मीरी युवाओं के लिए बड़ा अलर्ट है। ये घाटी में देश के लिए जान दांव पर लगाने वाले कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। जी हां, कश्मीर में छुपे कायर आतंकी कश्मीर के रहने वाले सैनिक और पुलिस वालों के खिलाफ एक खूनी साजिश पर काम कर रहे हैं। ऐसी साजिश जिसके शिकार बन रहे हैं कई बहादुर जवान। वो तमाम नौजवान कश्मीर के रहने वाले थे। घाटी के इन युवकों ने सेना और पुलिस में शामिल होकर आतंकियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, कई आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन कायर आतंकियों ने कश्मीर के इन जाबाज जवानों से बदला लेने के लिए एक खुफिया प्लान बनाया। ऐसा प्लान जिसने जम्मू कश्मीर की फिक्र बढ़ा दी है। सेना के राइफलमैन औरंगजेब, सीआरपीएफ कांस्टेबल नासिर अहमद, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह, ये सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। बीते दो महीने में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले ऐसे 10 जवानों को शिकार बनाया जो सेना में या पुलिस में थे। यही नहीं, उन तमाम जवानों को आतंकियों ने एक ही प्लान के तहत मारा और वो था आतंकियों का खूनी हॉलीडे प्लान। दरअसल जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकी इन दिनों कश्मीर में रहने वाले सेना और पुलिस के उन जवानों को निशाना बनाते हैं जो छुट्टी पर घर लौटते हैं। ये वो समय होता है जब जवान ड्यूटी पर नहीं होते हैं, उनके पास मुकम्मल हथियार नहीं होता और ना ही उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड होता है। और इसी छुट्टी के दौरान आतंकी जवानों के घर को घेर कर उन्हें अगवा कर लेते हैं। सेना के राइफलमैन औरंगजेब के साथ भी यही हुआ था। औरंगजेब छुट्टी पर श्रीनगर से 250 किलोमीटर दूर अपने घर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया। इसके बाद आतंकियों ने औरंगजेब का वीडियो बनाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। और ये हैं शहीद कांस्टेबल नासिर अहमद। बीते दिनों नासिर अहमद छुट्टी में पुलवामा के नाइरा गांव अपने घर आए हुए थे। आतंकियों को जब ये खबर लगी तो उन्होंने नासिर अहमद के घर पर ही धावा बोल दिया और नासिर अहमद की हत्या कर दी। और ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद कांस्टेबल सलीम शाह की। 20 जुलाई को आतंकियों ने सलीम शाह को अगवा किया था, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने सलीम शाह को मारने से पहले उनका वीडियो बनाया था।
इसी तरह आतंकी सिर्फ 2 महीने में ही कश्मीर के रहने वाले 10 सैनिक और पुलिस वालों की उस समय हत्या कर चुके हैं जब वो छुट्टी पर घर आए थे। आतंकियों की इस साजिश ने जम्मू कश्मीर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है और उन्होंने सेना और पुलिस में काम करने वाले कश्मीरी जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के ADG ने जवानों को छुट्टी के दौरान सतर्क रहने को कहा है। कई इंसिडेंट हुए जहां पे निहत्थे आदमी को उन्होंने उठा के शहीद कर दिया, मार दिया, और ये सिलसिला आज का नहीं, पहले भी ऐसा चला। इसमें एक तो कई चीजें रहती हैं, कई एहतियात बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमें पता है कि हम ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं जो जिसमें वर्नेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो एक तो खुद एहतियात बरतनी बहुत जरूरी, और कुछ ऐसे मेजर हम ले रहे हैं जिससे इंश्योर करें कि हमारे अपने जो जवान हैं, अपने लड़के हैं, उनकी कैजुअलिटी इस किस्म से ना। छुट्टी पर घर आने वाले सेना के कश्मीरी फौजी और पुलिस के जवानों के लिए खतरा बड़ा है, क्योंकि उनका घर परिवार भी घाटी में ही है। ऐसे में आतंकियों को उन पर नजर रखना, उनके बारे में जानकारी जुटाना आसान हो जाता है। जैसे ही कोई जवान छुट्टी पर घर आता है, आतंकियों को उनकी खबर मिल जाती है। बीते दिनों आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल अफसर मुदासिर अहमद को उस वक्त अगवा किया जब वो घर में ही थे। यही नहीं, आतंकियों ने मुदासिर को अगवा कर एक भड़काऊ वीडियो जारी किया था। मुदासिर के अगवा होने के बाद उसके घर वालों ने भी एक वीडियो जारी कर आतंकियों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाई थी, और कुछ ही घंटों बाद आतंकियों ने मुदासिर को छोड़ भी दिया। दरअसल घाटी में छुपे आतंकी इन दिनों कश्मीरी सैनिक और पुलिस वालों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। इसके जरिए वो घाटी के जवानों में ये खौफ भरना चाहते हैं कि वो सरकार और सेना का साथ ना दें। और इसके लिए आतंकियों ने घाटी में रहने वाले सैनिक और पुलिस वालों को अगवा करना शुरू कर दिया है, हमला करना शुरू कर दिया है। सेना के राइफलमैन औरंगजेब, जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल तनवीर अहमद, पुलिस के जवान HC हबीबुल्ला, पुलिस कांस्टेबल तनवीर अहमद, जम्मू कश्मीर के पुलिस SPO आशिक हुसैन, पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह, पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार, पुलिस के जवान अब्दुल हमीद और मुमताज अहमद, कश्मीर के रहने वाले देश के ये बहादुर जवान घाटी में आतंकियों का सामना कर रहे थे। ये बात कश्मीर के दहशतगर्दों को नागवार गुजर रही थी, और इसीलिए उन्होंने इन जवानों को निशाना बनाया। लेकिन आतंकियों के इस मंसूबे पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान सेना में भर्ती होकर ऐसे आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं। शहीद औरंगजेब के कई दोस्त तो सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़कर लौट आए ताकि वो सेना में शामिल होकर औरंगजेब की मौत का बदला ले सके। सेना में भर्ती औरंगजेब भाई का बदला लें, उसका बदला लेना आतंकवाद। एक तरफ जम्मू कश्मीर में ऐसे नौजवान हैं जो आतंक के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में कई नौजवान रातों रात आतंक की राह पर चल निकले और इसकी खबर किसी को नहीं लगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंकी साजिश में शामिल होकर घाटी से गायब हो रहे हैं नौजवान। कश्मीर घाटी में जो नौजवान अपने सपने पूरा करना चाहते थे, उन नौजवानों को लग गई आतंकियों की काली नजर। जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ लिख कर नौजवान अपना भविष्य संवारना चाहते थे, उन स्कूल कॉलेजों में हो गई दहशत गर्दों की घुसपैठ। 7 महीने में 128 लड़के रहस्यमय ढंग से हुए गायब। परिवार वाले अपने बच्चों से लगा रहे हैं घर लौटने की गुहार। कश्मीर में 128 नौजवानों का रहस्य।
कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही ये माँ अपने भटके हुए बच्चे से घर लौटने की अपील कर रही है। जब से इसने सुना है कि इसके जिगर का टुकड़ा आदिल अमीन वानी किसी आतंकी संगठन में शामिल हो गया है, तभी से इसका कलेजा फटा जा रहा है। इसकी ममता बेबसी और लाचारी बनकर आंखों से बह रही है। ये अपने आदिल से बार बार एक ही गुहार लगा रही है, मेरे लाडले घर लौटाओ। बेटे की गुमशुदगी से परेशान ये परिवार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा का रहने वाला है। आदिल अमीन वानी इस घर का इकलौता सहारा है। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी, साथ में आदिल की बहन भी दुल्हन बनने वाली थी। इस घर में एक साथ दो दो शादियों के जश्न की तैयारियां चल रही थी। तभी एक दिन आदिल के आतंकवादी बनने की खबर आई तो घर में कोहराम मच गया। आदिल ने खुद ये तस्वीर भेजकर घर वालों को बताया था कि वो आतंक की राह पर बहुत दूर निकल गया है। शादी की तैयारियां धरी रह गई। आंसुओं में डूबी बेबस मां ने इस वीडियो मैसेज के जरिए आदिल को उसकी शादी के बारे में याद दिलाया है, बहन के हाथों में लगी मेहंदी का वास्ता दिया है। आदिल के आतंकवादी बनने की खबर ने उसके ससुराल वालों को भी अंदर तक हिला दिया है। आदिल की होने वाली सास ने भी उससे गुहार लगाई है कि वो आतंक का रास्ता छोड़कर घर लौट आए। आदिल की सास एक बार, सिर्फ एक बार उसे मिलना चाहती है ताकि वो उसे समझा सके। घर पानुन वातुन सारी गेट मे बची सोसान चोर लट दुहस मे फेट सोच मोजि अत दार बहस करा अपील यह गर पानुन वातुन यह गज घर पान मे खान दुहस मे चोर लट बे सड़क पे पे दि लटन मे दाद बे अम से ज्यादा गयम गमगीरी क्या यह सही परेशानी गयम यह गर वात असान तो गंदान घर पानुन वात महरन मोजि अत दार मोहज अत गुल दारथन यह बहुत अमस अपील करा यह वतन पानुन घर। परिवार वालों और रिश्तेदारों का कहना है कि चार दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। चार दिन पहले आदिल अचानक गायब हो गया। घर वालों ने छानबीन की तो पता चला कि वो किसी आतंकी संगठन में शामिल हो गया है। इस खबर पर मुहर तब लगी जब खुद आदिल अमीन वानी ने अपने घर वालों को फोन करके आतंकी संगठन लश्कर में शामिल होने का ऐलान किया। कश्मीर में हर साल सैकड़ों नौजवान अचानक लापता हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 7 महीने के अंदर 128 लड़के लापता हो चुके हैं। परिवार वालों को उनके बारे में खबर तब लगती है जब वो किसी एनकाउंटर में बन जाते हैं गोली का निशाना। पुलवामा का रहने वाला आदिल अमीन वानी हाथों में हथियार लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा है जिस रास्ते की मंजिल होती है मौत। ये वो ही रास्ता है जिस पर रियाज अहमद डार और खुर्शीद अहमद मलिक जैसे आतंकी निकले थे और एनकाउंटर में बन गए सुरक्षा बलों की गोली का निशाना। ये दोनों सुपोर एनकाउंटर में मारे गए थे। रियाज अहमद डार महज 2 महीने पहले आतंकी बना था। वहीं बीटेक स्टूडेंट खुर्शीद अपने घर से सिविल सर्विस के फॉर्म भरने की बात कहकर निकला था, लेकिन जब वो एक एनकाउंटर में मारा गया तब यह खुलासा हुआ था कि खुर्शीद अहमद मलिक असल में आतंक का इंजीनियर था।
आतंक के रास्ते पर निकला एक और दहशतगर्द उमर मलिक शोपियां एनकाउंटर में मारा गया था। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले 8 साल में 550 से ज्यादा नौजवान भटककर आतंकियों के जाल में फंस चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी करीब 250 नौजवानों ने 19 महीनों में हथियार उठाए। साल 2017 में 126 नौजवानों ने आतंकी ट्रेनिंग ली, वहीं इस साल सिर्फ 7 महीनों के अंदर 128 नौजवान गायब हो चुके हैं। शक है कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों से गायब हुए ये 128 नौजवान किसी न किसी आतंकी संगठन में भर्ती हो चुके हैं। इन 128 में से करीब 80% लड़के दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। राज्यपाल शासन लागू होने के बाद 12 लड़के आतंकी बने। कश्मीर घाटी से इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों के लापता होने की खबर ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने तफसील से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि कश्मीर में लापता 87 लड़कों में से 14 आतंकी अनंतनाग से हैं, तो 35 आतंकी पुलवामा से हैं, वहीं 23 आतंकी शोपियां से हैं, जबकि 15 आतंकी कुलगाम से हैं। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद कश्मीर घाटी के 12 लड़कों ने आतंक की राह चुनी। कश्मीर घाटी में आदिल अमीन वानी जैसे नौजवान घर छोड़कर आतंकियों के जाल में फंस रहे हैं। आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले नौजवानों के परिवार तो परेशान है ही, इससे सुरक्षा बलों की चिंता भी बढ़ रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जा रही है जिनके बच्चे आतंकवादी बन गए हैं। आतंक की राह पर निकल चुके आतंकियों की वापसी कैसे हो, नौजवान युवकों के दिलों दिमाग से कैसे आतंक का जहर निकाला जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर में स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं, जहां युवकों के घर वालों को बताया जाता है कि कैसे आतंकी संगठन उनके बच्चों की जिंदगी तबाह करने की साजिश रचते हैं, उनकी जिंदगी से खेलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक कैंप का वीडियो, जहां कश्मीरी युवकों के घर वालों को बताया जा रहा है कि आतंक का जहर उनके बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। ये किसके हित में? मेरे देश के अंदर रह के मेरे सरजमी पे अगर कोई किसी गैर मुल्क के नाम का नारा ले रहा है, उनके क्या आप चाहते हैं कि आपके लड़के भी वही अंजाम से गुजरे जिसमें जितना की आंखों से आंसू देख रहा हूं मैं? अगर आपके तरफ से पहल नहीं होगी वो दिन भी दूर नहीं। आपको लगता है ये आज बताइए, एक जो मिलिटेंट बना है, एक लड़का जो 2 साल से ज्यादा जिंदा है, वो यही हाल है। और मैं आपको भरोसा दिलाऊं, मेरा काम ही हुआ, मैं उसके उससे ज्यादा जिंदा रहने भी नहीं दूँ। लेकिन क्या यही तरीका, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही जो है भूले भटके दुश्मनों के बहकावे में आके हमारे से बिछर बिछर के और आपके घर परिवार से अलग होके कहीं जाके मरे और आपकी जिंदगी भर के लिए वो दुख बना रहे? यहाँ पे कुछ जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने लड़के खोए हैं। आज बताइए आप लड़का खोने के बाद आपको क्या लगा, क्या वो ठीक था, वो जायज था, वो जो भी हुआ। इस बात से शेयर कर रहा हूँ कि मैं आज भी किसी भी फैमिली के कोई अगर कोई इच्छुक है कि हम आपके लड़के के लिए मदद करें, मैं आपके साथ। आप देवस्थल का गेट, कोई भी मेरे सीओबी का गेट आप सबके लिए खुला है। किसी भी टाइम पर आपको लगता है आपके लड़के को आप वापस लाना चाहते हो, हम आपके इतना मैं आपको भरोसा दिला दूं। बाकी कहानी आपके, कहानी मेरे।
अब सिर्फ वो अल्टीमेट अंजाम होती है, उस अंजाम तक अगर हालत नहीं पहुंचती है तो कुछ हालत नहीं। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।